नेता है अमेरिका के, उनके बारे में जो श्री भगत सिंह जी के परिवार के बारे में, माँ पिता के बारे में जो बात रखी गई, उससे आज मन बहुत पीड़ित है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आज पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के दिल के अंदर इस बात की पीड़ा रहेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और वीरभद्र सिंह जी ने और उनके परिवार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश की जनता को अपना परिवार और परिवार के तौर पर भी जनता ने उस परिवार को अपना प्यार जो आशीर्वाद कितने लंबे दिया। और ये कारण था कि वीरभद्र सिंह जी को 6 साल इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लगभग 24 बरस वो यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में उनको काम करने का मौका मिला। और बीजेपी की प्रदेश की सरकार की नाकामियों की वजह से जब वीरभद्र सिंह जी का ध्यान हुआ, उसके बाद सभी बाई इलेक्शन के अंदर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और उसी वक्त भी उनके घर से प्रतिभा सिंह जी को मंडी लोकसभा के अंदर से लोगों ने अपना प्यार और आशीर्वाद, इस प्रदेश की जनता ने अपना सहयोग, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब प्रदेश के अंदर किसी पार्टी की सरकार चलती है और उस वक्त में कोई भी बाई इलेक्शन जब आता है तो हर बाई इलेक्शन लगभग सरकार के ही हुआ करते, और आज आप देखो कि बाई इलेक्शन के अंदर भी विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर अगर करारी हार का सामना करना पड़ा तो बीजेपी के नेताओं को करना पड़ा। और प्यार किसको मिला, आशीर्वाद किसको दिया, वीरभद्र सिंह जी के प्यार जो पारिवारिक प्यार उसके साथ। तो मैं ये बात को यहाँ से शुरू से करता हूँ, क्योंकि जब से ये बात सदन में आई है तो आप देखेंगे कि आने वाली 12 तारीख को इस प्रदेश की जनता इस जो आवाज बीजेपी ने वीरभद्र सिंह जी के परिवार के बारे में या परिवार के बारे में कही है, उसके अंदर जनता एक करारा जवाब अपनी वोट की ताकत के माध्यम से जैसे बाई इलेक्शन में दिया था उसी प्रकार से इसके अंदर देंगे। और केवल यही नहीं, हर जरूरत थी, आज मैं देख रहा था कि किसी अखबार में लिखा था कि बीजेपी युवाओं का बहुत ध्यान रखती है, कांग्रेस के अंदर युवाओं के लिए स्थान नहीं है पर बीजेपी युवाओं के लिए हमेशा चिंतित रहती है, या बीजेपी के अंदर युवाओं को बहुत अच्छा पैमाना मिलता है, बहुत उनकी बड़ी वो होती है। पर लेकिन अफसोस की बात तो ये है, अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी आंकड़े, मेरे से पहले भी अलग अलग के माध्यम से बहुत सारे प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों के बारे में शायद बात रखी होगी, और मैं तो सीएमआई का डेटा देख रहा था जिसके अंदर यह लिखा है कि 2,04,000 से भी अधिक जो युवा है वो बेरोजगार यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर है। और अगर इसकी नेशनल एवरेज देखी जाए तो अगर नेशनल एवरेज 7.6% है तो हिमाचल प्रदेश के अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 9.8% के लगभग के ऊपर आता है, तो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है वो हिमाचल प्रदेश का है। और दूसरी तरफ आप इस बात को हम सब जानते हैं कि अगर स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखा है, पोस्ट ग्रेजुएट्स का डेटा देखा है, लगभग मैं देख रहा था कि 31 मार्च 2022 का जो डेटा आता है तो उसके अंदर लगभग 9.25 लाख लोगों ने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है। अगर मैं प्रिसाइसली कहूँ तो 8,77,000 लोगों का आंकड़ा है आपके लेबर इंप्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, और उसके अंदर से 1,41,000 वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ, 76,000 वो बच्चे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। और यहाँ पर कोई रोजगार की नाम की चीज नहीं। और मैं ये भी देख रहा था, पहले भी मुझे मैं पंजाब में जो भी विभाग को देखता था और हमारी भी पंजाब के अंदर सरकार थी, और मुझे उस वक्त ये बात करने को सोचने का मौका मिला कि इन्वेस्टमेंट समिट क्या होती, किस प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार का जनरेशन करना, किस प्रकार से युवाओं को रोजगार देना, के लिए कैसे प्रबंध करने के लिए एक रूपरेखा यानी रोडमैप तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर एक ग्लोबल समिट हुई और उस ग्लोबल समिट के अंदर
जो आंकड़ा सामने रखा गया उसको तो सरकार के माध्यम से वो ये रखा गया कि 96,000 करोड़ ऑफ एमओयूज वर साइंड बाय द इंडस्ट्री पीपल विद द स्टेट गवर्नमेंट. आज जरूरत यह है कि अगर उस ग्लोबल समिट के ऊपर 24 करोड़ रुपए का खर्च हुआ तो 2019 से वो ग्लोबल समिट हुई आज एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर सीधा इंडस्ट्री का एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट आ रहा है. उस बात के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा. अगर युवाओं की बात करनी है तो मैं ये देख रहा हूँ कि शायद 20 से लेकर 29 बरस तक के काफी सारे जो युवा हैं वो इस जो प्रदेश की जनता का जो नौजवान है वो आज बेरोजगार है और बेरोजगारी के लिए अपने रोजगार के लिए काम कर रहे हैं. जब कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हमें हम पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार जो सरकारी रोजगार है उसको हम मंजूरी देंगे तो उसके ऊपर भी भाजपा ने टिप्पणी करनी शुरू की. भाई ये तो आरटीआई का डाटा कहता है कि 68,000 जॉब्स तो गवर्नमेंट की वेकेंट पड़ी है. अगर 68,000 जॉब्स गवर्नमेंट की वेकेंट पड़ी है तो मैं समझता हूँ फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है कि 1 लाख जॉब सेलेक्शन नहीं हो सकती पहले कैबिनेट से, क्योंकि ये इट्स द ऑनगोइंग प्रोसेस. अगर आज 1 लाख जॉब जो आप सेलेक्शन करते हैं पहली कैबिनेट के अंदर और उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होता है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार के मतलब जो पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई उसके अंदर जिन्होंने पेपर लीक किया वो तो बाहर घूमने में जाते हैं और जिन बच्चों के पास 3,000 युवाओं के पास जो पेपर पहुंच गया था वो लोग आज जेल के पीछे रह गए. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश की जनता बीजेपी के 5 साल के राज को देखने के बाद आज बीजेपी के उस पूरे शासन को देखने के बाद आज लोगों ने अपना मन कांग्रेस की तरफ बनाया और कांग्रेस के दस लड़कियों की बात है, कांग्रेस ने युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध करने के लिए अपनी बात कर दी है तो क्यों आज बीजेपी के लोगों को इस बात के ऊपर पीड़ा हो. अगर करना था तो 5 साल करते हैं. और मैं समझता हूँ कि जो बाई इलेक्शन वीरभद्र सिंह जी के प्यार और आशीर्वाद के माध्यम से इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के हाथ में दिया उसके बावजूद भी इस सरकार को युवाओं को रोजगार देने की बात कहने की बात नहीं है, उस पर उस स्तर पर कोई काम नहीं. तो मैं ये जरूर आप लोगों से आज ये बात कहना चाहता था कि चाहे यहाँ पर क्योंकि कल भी मैं शाम को कुछ लोगों से युवाओं से बात कर रहा था तो जैसे यहाँ पर एग्जाम पहले तो मंजूरी नहीं होती, जब पोस्ट की मंजूरी हो जाती है तो इश्तिहार आना चाहिए वो इश्तिहार के बाद उसकी ऑनलाइन हो जाती है और अगर पोस्टपोन होने के बाद एग्जाम आया था तो फिर वो पेपर लीक हो गया और लीक होने के बाद जो लोगों को आता है किया और शायद ये भी कहा गया कि हमने कैसा है कि फॉर्म भर दी, ये भी कहा गया कि हम केस को किसी सेंट्रल एजेंसी को भेज दिया गया, ऐसी बातें भी बहुत सारे लोगों के सरकार के लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग वक्त के ऊपर ये बातों को कहा गया. पर लेकिन जो मेरे समझ में आया है कि शायद उन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जिन लोगों ने पेपर को चाहे वो बिहार के लोग थे चाहे वो किसी और प्रदेश के लोग थे जिन लोगों ने पेपर को लीक करने का जिनका भी नाम आया था उनकी कोई कार्रवाई नहीं. तो इससे पता लगता है कि ये सरकार कितनी सीरियस है, ये सरकार ने अपने 5 साल के अंदर कितना सीरियसनेस शो किया. आगे देखो ये माँ बेटे की बात की बात के अंदर आज इसी बात पर है कि ये जो वीरभद्र सिंह जी का परिवार है माँ बेटे का परिवार है. मैं आपसे आप तो सब लोग इस बात को खुद स्वयं अच्छे से जानते हैं कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके परिवार के लोग यहाँ पर आज तो मेरे पास ही मैं सारे देख सकता हूँ कि 5 लोग ऐसे हैं जो लोग ऑलरेडी उनके बच्चे यहाँ पर चुनाव हैं. इस बात की और ज्यादा बेटर हो जाती है तो मैं अपनी इस बात को जो जिस बात के ऊपर आपसे बात रखनी थी चाहे हमारी दस गारंटीज की बात है जिस बात को आप लोगों ने समय समय पर आप लोगों ने हाईलाइट किया है तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का हर वक्त उसके ऊपर इस बात पे ध्यान होता है कि उसका कितना परसेंट उसके अंदर उसका अमल हो चुका है, कितना परसेंट उसके ऊपर काम हो चुका है या क्या क्या हो रहा है. ये हमारी हमारी सोनिया गांधी जी का हर खबर सरकार में रहने का मौका मिला तो
मैं समझता हूँ कि हर गवर्नमेंट उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन उसके ऊपर होता है ताकि जो भी वायदा किसी भी प्रदेश की जनता से कांग्रेस पार्टी ने किसी भी चुनाव से पहले अपने जो मैनिफेस्टो के माध्यम से किया है उसके ऊपर पूर्ति होनी चाहिए, उसके ऊपर उस वादे को पूरा करना चाहिए। तो मैं आपकी बात को यहाँ पर विश्राम देता हूँ और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि किसी से बनी हुई इस मुद्दे के ऊपर सवाल मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मैं अलका जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ विधायक मंत्री से आपको सचिव रहे अभी प्रभारी विजय सिंघा जी का धन्यवाद करती हूँ। आपको अखबारों की कटिंग दिखा गृह मंत्री गुजरात नहीं गए 140 लोग मोरबी पुल के गिर जाने से मौत की भूमि संवेदनशीलता होती तो दिल्ली से गुजरात जाते आप गृह मंत्री जी राजनीतिक रोटियां सेकने गांधी परिवार और परिवार का मुद्दा उठाने वाले यहाँ नहीं आते। दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी जब मोरबी के अस्पताल का भी दौरा करने जा रहे थे तो उससे पहले वाटर कूलर बैंक व्यवस्था को रंग रोगन प्रमोशन हो गया और सारा फोकस जो है प्रधानमंत्री जी का उम्मीद ही जा रही थी हमेशा की आप आए आज के जिन बिंदुओं पर बात की प्रधानमंत्री जी गुजरे जून के महीने में धर्म चलाने के लिए और जो अग्निवीर के विरोध में युवा पे आंदोलन कर रहे थे उन 300 युवाओं को आप बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था 70,000 करोड़ में आपका यहाँ का डूबा हुआ है शब्द नहीं का सबको पता है बेरोजगारी का हमारी जो नेशनल है वो 7.6 है, हिमाचल की कितनी है 8.6 राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से हिमाचल में बेरोजगारी दर हम सब इंडेक्स की बात कर सकते हैं अंतरिक्ष की बात करते हैं भारत आपको गरीबी में 109 देशों में भारत 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए लेकर चलती हूँ आपको आर्टिकल 370 की बात करते हैं होता रखो जम्मू कश्मीर के चुनाव में होगा मेरी हिमाचल में इसका जिक्र करते गए आपको अगर मैं बताऊ 90 कश्मीरी पंडित पिछले 8 साल में मात्र आपके राज्य में जम्मू और कश्मीर में शहीद कर दिया 98% हमारे जो सिक्योरिटी है चाहे वो पुलिस हो आपकी चाहे वो सेना हो 98% उनके भी उनके ऊपर हमले उनकी मौतों में इजाफा हुआ इसी चुनाव में हमने दो जवानों के मार्च चलिए 370 की आवाज करते हैं हम चुनौती देते हैं अमित शाह जी हिमाचल चाहता है करिए लोकतंत्र बहाल हिम्मत हो जम्मू कश्मीर में हटाइए राष्ट्रपति शासन अगर हिम्मत हो तो पूर्ण राज्य का दर्जा छीना जम्मू कश्मीर का अन्याय हो रहा है आवाजें कुछ नहीं जा रही है और आप हिमाचल में आकर 370 सबको सत्ता के नाम पर और सभी व्यक्ति 2015 में 405 पीस फायर के उल्लंघन हुए हैं इतनी हिम्मत सरकार की 2016 में 449 2017 में 871 2018 में 1432 पीस फायर के उल्लंघन हुए हैं तालाब ने काफी दूर कराया आपको अगर कुछ अच्छा बताए तो आपको स्वागत
लोकतंत्र की बात करें तो अमित शाह जी बच्ची आती है नड्डा जी की दोबारा रिपीट हो गए नड्डा जी, कहाँ फैसला हुआ, कहाँ वोट हुआ, किसने फैसला किया, कब किया, कानपुर के बल किसी की कमी नहीं है,
एक ऊंचा हाथी होता है, एक ऊंचे हाथी के ऊपर हथियारों से लैस होकर आप हमले कर रहे हैं, और हमें पता हाथी के चलाए वो निहत्थे हैं। लेकिन कहते हैं ना हाथी की सूंड में जब एक चींटी भी घुस जाती है तो हाथी का काम तमाम हो जाता है। मैं आप सभी पत्रकार शास्त्रियों से आज उनका निवेदन करना चाहती हूँ, जिस तरीके से भाजपा ने 3 तारीख को कहा कि हमारे 68 विधानसभा में 68 केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे नेतृत्व में माहौल बन जाएगा। आज 2 नवंबर है, कहाँ है माहौल, कहाँ है माहौल, लेकिन लोग मन बदल ये मुद्दा बेचुनाव होगा, मुद्दे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं हिमाचल के होंगे, मुद्दा बेरोजगारी होगा, महंगाई होगा, सेठी किसान होंगे, हमारे कर्मचारी होगी, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम पर कांग्रेस मुहर लगाने का है।